हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फिर आप सब भेज दूंगा। सो गाइस, अभी का प्लान ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 12 और हमारा ब्लॉग अपलोड हो चुका है एक, और हम दूसरे ब्लॉग बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम बाल कटवाने, कटिंग कराने जा रहे हैं। बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हुए हैं, तो जाते हैं कटवा के आते हैं बाल। तो पहले कौन सा कटवा रहा अपना बाल? बाल वगैरह कटवा लिया है, अब हम ले सत्तू लिया है हमने, क्योंकि बोलूँ कहीं जाने वाला है। मैं घर जाकर बताऊँगा कहाँ जा रहा है, और चाउमीन पैक करवा रहा हूँ, चाउमीन और समोसे। अरे चलते हैं, अब ले के पैक करो सही करते हैं। क्या है सो गाइस, देखो आपने कभी चाउमीन को, इसमें से मैंने आलू निकाल दिया है और इसके अंदर डालेंगे चाउमीन। चाउमीन में कुछ नहीं है, टाइम पास हो रहा है। तो ये बन जाएगा चाउमीन वाले समोसे। तो गाइस, ये मेरी रेसिपी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको चुरा लिया। स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोगों को ट्राई कीजिए। सो गाइस, गोलू बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसका बैग भी रेडी हो गया है। मतलब वो रेडी नहीं हुआ, उसका बैग रेडी हो चुका है। और हाँ गाइस, गोलू भी बताएगा वो कहाँ जा रहा है। सो चलते हैं। गोलू बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? वैष्णो देवी। सो गाइस, गोलू वैष्णो देवी जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, और मम्मी लगी है उसका लंच तैयार करने में, लिट्टी बनाने में। मम्मी लिट्टी बना रही है रास्ते के लिए। सो ट्रेन से चटनी, ट्रेन से जा रही है ये और इसके चार दोस्त हैं। मुझे लग रहा था कि टिकट कंफर्म नहीं हो, लेकिन लास्ट तक होगी कंफर्म। सो 50 वेटिंग थी, कंफर्म हो गई टिकट, जा गए। सो हम घर पर अकेले रहेंगे। लिट्टी बन रहा है, लिट्टी के पटोले, इसको खाना आ सकता है। ये हमारे बिहार का ट्रेडिशनल फूड है। आइए कभी बिहार, खिलाते हैं आपको। आइए कभी हमारा बिहार में। तो ये बेसन है, बेसन में इसमें मसाले, सत्तू है चने का जो पीस के बनाते हैं, और उसमें सारे मसाले वसाले डाल दिए, उसको चटपटा बना दिया। और वो आटा है, आटे के अंदर इस मसाले को भरा जाएगा और फिर इसमें फ्राई किया जाएगा और लिट्टी तैयार हो जाएगी। बोल लो भाई। सो गाइस, रेडी हो चुका है पूरा। वो जल्दी जल्दी करने के लिए, चलने के लिए कह रहा है। सो चलते हैं, बोलू को छोड़ जाते हैं यहाँ पे, ओला बुक कर रखी है, उसके दोस्त वोस्त भी वहीं पे खड़े हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं, चल जल्दी। सो गाइस, गोलू तो जा चुका है माता वैष्णो देवी, और हम घर पे अकेले हैं, और मम्मी ने बाहर जला रखी है आग, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे भी। मम्मी आग जला के बैठे, तो थोड़ी देर आप तापते हैं। शायद ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है गाइस। ठीक है बेटा। सो गाइस, गोलू भी स्टेशन पहुंच चुका है। हाँ ठीक है बाबू, ट्रेन पर बैठ जाना था, फोन करना। ठीक है, अब लकड़ी डाल दे। तो गाइस, मैं और सभी तार रखे थे मयूर विहार फेज 3, और यहाँ पे देखो क्रिसमस की पूरी तैयारी हो रखी है, भीड़ वगैरह भी लग रखे हैं। और गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे, सब शॉपों में काफ़ी ज़्यादा रौनक है, और सभी काफ़ी ज़्यादा
काट चुकी है दो सौ। ये वाले 300 वाले, 300 इसकी थोड़ी सी शाइनिंग है ना, गोल्डन लुक आ रहा है इसकी, इसकी बनावट है। और मुझे शंकर जी बहुत मस्त लगे, मुझे ठीक लगे ये वाले। सो गाइस हम आ चुके हैं एग रोल खाने के लिए, तंदूरी शॉप है, अंदर चलते हैं। अंदर सभी बैठ चुका है मस्त। सो अभी एग रोल खाने का प्लान बन गया इंस्टेंट, सो एग रोल खाते हैं। यहाँ के वैसे एग रोल काफ़ी ज़्यादा मस्त होते हैं, सो एग रोल खा के फिर चलते हैं। आधे घंटे हो चुके हैं अभी तक ऑर्डर नहीं आया, इतना टाइम लगता है भाई ऑर्डर। दुकान नहीं खुली है ओह, इसमें ज़्यादा घूमता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है सब चीज़ें। सो सभी तो एक्सप्लोरर है, वो पूरा एक्सपोज करता है दिल्ली, तो इसे ज़्यादा पता रहता है सब चीज़ें। बगल वाले में बम्बैया कैफे, एक नंबर चीज़ देता है बम्बैया कैफे, साउंड्स गुड। तो गाइस आ चुका है हमारा एग रोल, सो खाते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, रिव्यू इतना बड़ा वाइट खाया गाइस इसने, देखो पूरा अधमड़ा कर दिया एक ही बार में एग रोल। तो गाइस पापा देखो क्या काम कर रहे हैं, अभी जो आग जलाई थी मैंने वही आपने कोयला जला के। रात के 10:30 बज रहे हैं और इस बंदे ने आग जलवाई है अभी जो लकड़ी बची हुई थी। 10:30 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, गली में कोई भी नहीं है और हम आग अपने केदारनाथ वाली ठंड हो रही है गाइस। सो गाइस इस कुछ इसी तरह की हालत थी केदारनाथ में, इससे दुगनी भयंकर हालत थी यार खराब। इस टाइम पे तो हमारे पास छत पे अंदर जाने के लिए वहाँ से छत भी नहीं थी। तो जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा मैं केदारनाथ का, तो गो एंड चेक इट आउट, सबसे पहला ब्लॉग है मेरा केदारनाथ का, सो आप लोग देखिए आप लोगों को पसंद आएगा। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और रात में वीडियो एंड नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर चला गया सोने के लिए और सीधा जाके सो गया क्योंकि अकेले सोया था और वीडियो ऑन नहीं करी। सो गोलू भी कटरा पहुँच चुका है, सर छाटी पर पहुँच गया था वो, उसने कॉल करी थी कि मम्मी से बात करवा देने के लिए अपने फ्रेंड को फ़ोन से, क्योंकि उसका सिम वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, वो उस पर सिम वर्क करती है वहाँ पे वो वैष्णो देवी के पास। सो कश्मीर को लेकर कुछ इशू वगैरह चल रहा था इसलिए ऐसा है सीन, मैं भी जब गया था तो ऐसे ही था। सो पोस्ट पर सिम से कॉल करी थी तो मैं बात करवाने आया था नीचे इसलिए जल्दी आ गया, और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड, और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय। अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगा दूसरा, सो लेट्स गो।